हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब लोग देख सकते हैं और ये आपको दिया जा रहा है कि ये एक स्मार्ट बोर्ड है और ये स्मार्ट बोर्ड की नंबर है SP 36811.2। तो ये स्मार्ट बोर्ड हमारी नई है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है, लेकिन इस स्मार्ट बोर्ड में कोई VGA केबल नहीं है और हमको इसका बैकअप लेना है, यानी हमको इसकी अंदर की जो बूट फाइलें हैं और यूजर एरिया है वो हमको इसका बैकअप हमको लेना है। वो भी हम लेंगे RT809F के थ्रू, एच नहीं, यानी जेटेक करके नहीं। और इस का बैकअप लेने के लिए हमको एक प्रोग्रामर चाहिए और एक हमको पूरी खाली कम से कम मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए। और उस इस प्रोग्रामर को रन करने के लिए एक हमारा प्रिंटर केबल चाहिए और एक हमारी अपनी से खुद की बनी हुई एक HDMI केबल चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सही से देखें कि इसका बैकअप हम लोग कैसे लेंगे बिना JTAG किए हुए। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग मुंबई में स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है A to Z प्रैक्टिकल, ऑल डिटेल्स, पैनल, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर, ये सब जो डिटेल्स जो है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 8828610128 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा लें। ये हमारी 5 तारीख की ट्रेनिंग होने जा रही है और इस डेट में शायद 1 या 2 सीट खाली है। इसके बाद हमारी कोलकाता में ट्रेनिंग होगी जो कि अगले महीने यानी मुंबई के बाद 13 से लेकर 17 तक, इसमें भी कुछ सीटें खाली हैं। अगर आप सीट बुक कराना चाहते हैं तो 9874622670 पे कॉल करके पहले अपना सीट बुक करा लें, इसके बाद आप आने जाने के लिए टिकट काटें। इसके बाद हमारी होगी हैदराबाद में 23 से लेकर 26 तारीख तक, ये ट्रेनिंग हिंदी और इसको ट्रांसलेट करके तेलुगु में भी बताया जाएगा। इसमें अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो इसमें भी लगभग 4 या 5 सीटें खाली है। 707-553-8039 इस पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अब हम लोग आ जाए टॉपिक पर। ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया जाता है कि जो CRT की नॉलेज रखते हैं, कभी अपडेट नहीं हुए हैं, वो अपडेट हो जाए एक बार। कहीं से कोई ट्रेनिंग किया है और उसको सही से पता नहीं चला, कोई 50 मेंबर पे, 100 मेंबर पे, 80 मेंबर पे, और वो प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग किया है तो प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग से कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कराइए ना। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मैंने अगले साल 2-4 ऑनलाइन क्लासें की, लेकिन उसमें मैंने देखा कि ऑनलाइन क्लास से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये पैसा आपको बेकार जाएगी, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस बंद कर चुका हूँ और मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में ही आपको प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको सामने सामने होकर आप A to Z प्रैक्टिकल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो ये सब आपको बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, कहीं से भी ऑफलाइन लें। अब हम लोग आ जाए टॉपिक पर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका बैकअप हम लेंगे और बैकअप लेने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आपका एक लैपटॉप या डेस्कटॉप भी होना चाहिए। जो पुराने हैं, जो प्रोग्रामर चलाते हैं,
वो सही है, जो नहीं चलाते हैं वो देखें और ट्रेनिंग में भाग लेने से चलाने के लिए भी आप सीख सकते हैं। ये बोर्ड को हम लोग लाइन दे दें और लाइन देने के बाद एक बार देख लें कि ये बोर्ड हमारी चल रही है कि नहीं। यानी यहाँ दिख रहा होगा ये बोर्ड पे ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है, यानी इस बोर्ड में पावर आ चुका है और ये बोर्ड हमारी रनिंग है, चालू है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका बैकअप लेंगे। बैकअप मतलब बूट फाइल और यूजर एरिया। बहुत सारे बोलते हैं फर्मवेयर, गलत। अब हम यहाँ इस प्रोग्रामर की एक HDMI पोर्ट है, इस पोर्ट पे हम ये हमारी अपनी से बनाई हुई केबल को इन करेंगे और इन करने के बाद अब हम चले जाएंगे इसकी बैक पर। और बैक पर यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिलेगा। एक मिलेगा ग्राउंड, ये हरा वाला हम ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद ये हमारी RX, RX का मतलब हुआ SDA, और ये हमारी TX मतलब SCL, और ये तीनों को कनेक्शन करते हुए अब हम अच्छी तरह से चले जाएंगे। और इस प्रोग्रामर की रन करने के लिए सप्लाई और डेटा देंगे जो कि ड्राइवर। और हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ दिखाइए, यहाँ हमारी लैपटॉप में। दोस्तों ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है, कीपैड है और इसका स्क्रीन यहाँ पर लगा हुआ है, यानी मैंने डिस्कनेक्ट करके इसको, इसी एक ही लैपटॉप है और ये डेस्कटॉप नहीं है, मैं स्क्रीन यहाँ पर लगा दिया हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेनोवो की। अब यहाँ पर अब हम लोग चले जाएंगे प्रोग्रामर, प्रोग्रामर जो हमारी RT809F जो कि हमारी डेस्कटॉप या लैपटॉप की आइकन होगी, और यहाँ पर जाते हुए हम लोग डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के साथ साथ अब हम चले जाएंगे पैरामीटर सेटिंग, और पैरामीटर सेटिंग जाने के बाद, पैरामीटर सेटिंग के जाने के बाद हमारी जो VGA लाइन सीक्वेंस है उसको हम लोग चेंज करेंगे। और चेंज करते हुए और हमारा बॉड रेट जो है 1,15,200 उस पर रखेंगे और इसको हम सेव करेंगे। और सेव करने के बाद अब हम सीरियल प्रिंट को क्लिक करेंगे और करने के साथ साथ हम मेन बोर्ड में लाइन देंगे। और ये लाइन देने के साथ साथ ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन जब तक रुक जाएगी तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। ये हमारी रुक गई। रुकने के बाद अब हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम चले जाएंगे टूल चैन पर। ऊपर दिखाइए, यहाँ पर कोने में है टूल चैन, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया हमारा सिक्योर CRT, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया हमारा कनेक्ट, ये जो है हमारी ऑटो कनेक्ट हो जाएगी, यानी कॉम्बिनेशन 4 पर ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट करने से ही जैसे हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए सीरियल COM4
ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा और ये कर्कश दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी लैपटॉप या डेस्कटॉप उसकी पहले हम लोग पावर बंद कर देंगे मेन बोर्ड की जो सीरियल प्रिंट किए थे, और करने के बाद अब हम चले जाएंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंटर की दबाते हुए और हम लोग चालू करेंगे। और यहां पर हम रुक जाएंगे। अब रुकने के बाद अब हम इसमें इस सेट में यानी ये मदरबोर्ड में हम कोई यूएसबी में वो हमारी जो एमटी फॉर्मेट की हुई पेन ड्राइव को इन करेंगे, और इन करने के बाद अब यहाँ पर हमारी अंतिम में जो M*5862 दिख रहा है और वहाँ पर कर्कर दिख रहे हैं, वहाँ पर हम एक कमांड देंगे, ई एम एम सी बिन स्पेस रीड READ, और करते हुए अब हम इसको लैपटॉप की या डेस्कटॉप की इंटर की करेंगे। और जैसे हम इसको इंटर की करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये एरर हो गई, हम फिर से इसको चालू कर रहे हैं। दोस्तों ये एरर देने का वजह है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने गलत टाइप कर दिया, EMMC देने के जगह हमने इसको S दिया, इसलिए इसने रीड होना बंद कर दिया। फिर हम इसी प्रक्रिया को दोबारा चालू करेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे EMMC बिन स्पेस रीड READ। ये सब करने में सॉफ्टवेयर करने में ये नहीं है कि फर्स्ट बार ही होगा, कभी भी एरर, कभी भी कुछ कनेक्शन, कुछ वायरस या कुछ प्रॉब्लम के वजह से ये क्रिएट होता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम इंटर देंगे, कौन सा, यहाँ कीबोर्ड की इंटर, और इंटर मारने के साथ साथ ये देखिए ये हमारा अब जो है राइटिंग यानी बैकअप लेना चालू हो गई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये हमारा बैकअप लेना चालू हो गया, यानी इस तरीका से हम पेन ड्राइव में अपना स्मार्ट बूट का बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया, ये तीन फाइल जो है हमारी ऑल टोटल GTEC की हुई फाइल की जैसा ये हमारा बैकअप हो जाएगा। और ये बैकअप होने में लगभग आधा घंटा से लेकर एक घंटा तक समय लगेगा, फिर भी हम आपको कुछ देर इसको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना देर दिखाना संभव नहीं है। कुछ देर आप देख लो। तो दोस्तों हमारी ट्रेनिंग अगर लेनी है मुंबई में तो इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा 8882861-01-28 पर, अगर कोलकाता में लेनी है तो 9874622670 पर, अगर हैदराबाद में लेनी है 7075538039 पर। हैदराबाद में 23 से 26 की होगी अगले महीने, कोलकाता में 13 से 17 और मुंबई में 5 से 8। यहाँ पर हम लोग आ जाए फिर टॉपिक पर। अब हम इसको बीच में ही बंद कर रहे हैं, और बंद करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी पेन ड्राइव में ये हमारा पार्टीशन बना है कि नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर दिखाइए आप, कैंसिल कर दिए, यहाँ पर भी कैंसिल कर दिए, और सेट को हम बंद कर दिए, बंद करके यहाँ पर दिखाइए इस पेन ड्राइव को हम रिमूव कर दिए, और रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पेन ड्राइव में हमारी कुछ बैकअप आई है कि नहीं, और हम चले जाएंगे PC पर, और ये हमारी USB ड्राइव G है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर में बना है बूट 1, बूट 2 और
EMMC, इसकी प्रॉपर्टी अगर चेक करेंगे तो ये लगभग आधा अधूरा ही बना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा 195 MB, ये 195 MB का फाइल बना है क्योंकि ये आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके दोस्तों, बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए।